बैंक्स बैक बाई स्ट्रॉन्ग क्वार्टरली नंबर्स और मेटल्स के आपने नंबर्स देखे, आप कैसे अप्रोच कर रहे हैं मार्केट्स को और इस वक्त आपका टॉप कन्विक्शन कॉल क्या है? धन्यवाद धीरेंद्र, आप सभी को सुप्रभात हमारे तरफ से। तो आप नहीं भी पूछते तो मेरे तरफ से एक विकल्प अगर निवेश लायक आज बताना था तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया बेशक ये स्टॉक होगा, जिस तरीके से नतीजे आए और जिस तरीके से सुधार देखा। और वीरेंद्र, हम आपसे और शैलेंद्र जी से बात कर रहे थे तिमाही नतीजे का आगाज होने से पहले, और हमारी सूझबूझ और समझ ये कह रही थी कि वित्तीय क्षेत्र पर आपको ध्यान देना चाहिए, खास करके बैंकिंग और NBFCs, जहाँ पर निजी क्षेत्र की और कुछ चुनिंदा सरकारी बैंक्स के जो नतीजे की उम्मीद हमें थी उससे बेहतर आए हैं। और सरकारी बैंकों ने तो हमें बहुत ही बेहतरीन तरीके से ताज्जुब किया है, जो आंकड़े वो लेकर के आए। मिसाल के तौर पर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया हो गया, बैंक ऑफ बड़ौदा हो गया, बैंक ऑफ इंडिया हो गया, इंडियन बैंक। तो मेरा एक विकल्प और मेरी सोच ये भी कहती है वीरेंद्र के ये जो सुधार हमने देखा है अब यहीं पर नहीं खत्म होगा, ये सुधार निरंतर आपको आने वाले कुछ समय तक दिखेगा। चौथी तिमाही में ये सुधार और भी होगा और आने वाले वित्तीय वर्ष में और गति पकड़ेगा ये सुधार। और जाहिर है कि एक जो लंबे समय से अंडर परफॉर्मेंस हम देख रहे थे जब भी हम तुलना करते थे सरकारी बैंकों की और निजी क्षेत्र बैंक की, तो अब मेरे ख्याल से वो समय आया है कि आपको वो नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ बड़ौदा, बैंक ऑफ इंडिया और PNB, ये चार नाम है पसंदीदा, और इसमें से अगर एक नाम मुझे चुनना हो तो वो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, जहाँ पर लक्ष्य हमने निर्धारित किया है करीबन 640 से 650 का। गौरांग बताइए, आपने कोई मोमेंटम ट्रेड आइडेंटिफाई किया है? बिल्कुल अर्शदा, और अभी अभी आप जिक्र कर रहे थे हिंडालको का, और नतीजों पर हमारे मित्र सुमित ने भी एक लिखा झुका ब्यौरा हमारे सामने रखा है। तो नतीजे अभी तक आए नहीं हैं, लेकिन हिंडालको पर जो भी टिप्पणियाँ अभी हमारे मित्र सुमित ने की और हमारा जो अनुमान है उसके आधार पर हमने लक्ष्य करीबन 650 का रखा है, और अगर नतीजे वाकई में काबिले तारीफ रहे और उम्मीद से बेहतर रहे तो इस लक्ष्य को हम और भी ऊपर की तरफ साध लेंगे।